वेलकम बैक फ्रेंड्स। और आज हमारा सॉल्ट फ्री डे, फुल डे रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको कैसा लगा प्लीज प्यारे प्यारे कमेंट्स करना। मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे अच्छे अच्छे मैसेजेस करते हैं। एक दो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, देखो जहां पे पॉजिटिविटी होगी एक दो नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग भी आएंगे। मैं इस चीज के लिए रेडी हूं। मैं उन लोगों को भी कमेंट करके रिप्लाई करूंगी, और जो मेरे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं दिल से थैंक यू। आप आगे भी ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखिए। मैं आपके साथ ऐसे ही अपने छोटे छोटे टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। आपने मुझे कल सॉल्ट फ्री के लिए बोला था, आगे आपको किस चीज के लिए वीडियो चाहिए वो प्लीज मुझे बताना। और कुछ भी मिस्टेक्स अगर होती है, कुछ भी होती है, अपना समझ के भूल जाना। और मतलब कुछ नेगेटिव कमेंट मत करना, डिमोटिवेशन मिलता है। और अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो मॉर्निंग में हमने हल्दी वाला पानी पिया, उसके बाद हमने डिटॉक्स वाटर बना के रख दिया था लेकिन पिया नहीं था। और ब्रेकफास्ट में मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, जब भी सॉल्ट फ्री डे होता है तो मैं सैलेड्स वगैरह ही लेती हूँ, और मैं फ्रूट्स वगैरह ही प्रेफर करती हूँ। अगर आपको भूख ज़्यादा लगती है तो आप कुछ और लीजिए, आप उपमा ले सकते हो, आप सूजी का परांठा बना के खा सकते हो। परांठा का मतलब ही ना, घी बहुत ज़्यादा लगाओगे आप। सूजी को हल्के से दही में कुछ देर के लिए डाल के रख दीजिए, और फिर उसके बाद उसको तवे पे जैसे मतलब घोल ऐसे डोसा बनाते हैं ऐसे बना के उसे भी खा सकते हैं, पर उसके अंदर सॉल्ट नहीं होना चाहिए। और आप मतलब कुछ भी ऐसा चीज देखो, आप सोचना जब मैं खिचड़ी बिना सॉल्ट के खा सकती हूँ, तो आप ही सोचो कि क्या हम ऐसी चीज खा सकते हैं जो मतलब जिसमें सॉल्ट ना डला हो और जिसके बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हो। तो फ्रेंड्स ये तो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो हमारा डिनर के टाइम पे क्या होगा, मैं पर्सनली जो लेती हूँ, पनीर है, टमाटर है, प्याज है, खीरा है, पीनट्स हैं इसके अंदर, और इसमें सोक किए हुए काले चने हैं। आप कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है मैंने आपको जो शो किया आप इसे ही लो। मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए कि मुझे इन चीजों से बेनिफिट हुआ है। सीरियसली फ्रेंड्स बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है इन चीजों से। और इन चीजों को भी आपने गोल्डन रूल के साथ ही करना है। सर के गोल्डन रूल हमेशा फॉलो करो। मैं तो लॉन्ग लाइफ सर के फॉलो करूंगी, जो जो उन्होंने बताया है सॉल्ट फ्री डे। अब मैं थोड़ा सॉल्ट फ्री डे मैंने काफी दिनों बाद आज किया है आप लोगों के साथ, ताकि मैं शेयर कर सकूं। और पानी को अच्छी तरह से सिप सिप करके पीना है, और खाने को अच्छी तरह चू चू करके खाना है। लाइफ में मोटिवेटेड रहना है, औरों को भी मोटिवेशन देना है। अब देखना जब आप दूसरों को ना मोटिवेशन देते हो ना, आपको दिल से कितनी खुशी मिलती है, पॉजिटिविटी आती है आपके अंदर, पॉजिटिव एनर्जी आती है। अपने साथ ऐसे को वेट लॉस जर्नी में शामिल करो जो आपके साथ वेट लॉस जर्नी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दे, और ज्यादा कुछ कुछ नई नई डिशेज आपको बताए कि हम ये ट्राई करते हैं, हम वो ट्राई करते हैं। अब डिशेज इट डजंट मीन कि आप डीप फ्राई कुछ ट्राई करना शुरू कर दो या कुछ और, नहीं, कुछ हेल्दी। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी रेसिपी है जो हम लोगों को आपस में शेयर करनी चाहिए, तो प्लीज कुछ अच्छी सी ऐसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी आप भी बताना जिससे आपका किसी का वेट लॉस अच्छे वाला हुआ हो, ताकि और लोगों के साथ भी हम शेयर करके और लोगों को भी इसके बेनिफिट दे सके। हम एक फैमिली बन चुके हैं अब, और आपस में हम हर चीज शेयर करेंगे, किस चीज से हमें फायदा हुआ है, किस चीज से नहीं हुआ है। और प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे मोटिवेशन आता है। मैं और वीडियोस लाती रहूंगी आप लोगों के लिए। और हाँ प्लीज खुश रहिए, मतलब ऐसा खाना खाओगे ना उसको भी ऐसे एंजॉय करो कि जैसे आप कोई फिल्म स्टार हो, जैसे कोई आप ना सेलिब्रिटी हो। ऐसे खाने को ऐसे एंजॉय करके खाओ, ऐसे धीरे धीरे चबा चबा के, फिर देखना आपको ये खाना भी इतना टेस्टी लगेगा। मैं ऐसे करती हूँ, आज मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में बाउल में डाला है, अदरवाइज मैं बड़ी प्यारी सी प्लेट से जाती हूँ और
कई लोग सोचते होंगे कि नहीं, मैं सच में डेली बहुत ज्यादा वो सैलेड खाती हूँ, और वही वही मेरी वेट लॉस जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए। तो आगे भी हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे। आप लोग मुझे सजेशन देना कि आपको अब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। हो सकता है मैं थोड़ा लेट आपको अपडेट दूं, लेकिन मैं जरूर जो आप कहोगे उस टॉपिक के ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगी। हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड, और सोल्ट फ्री को इंजॉय करना, अपने ऊपर बर्डन मत करना। और आपको मैं सीरियसली बताऊं, ये आता भी नहीं था टॉप, मतलब आता था ऐसे हो जाता था, मतलब ऐसा लगता था 6-7 मंथ है सीरियसली, और अब ऐसे लगता है किसी का ना मांग के बाहर रखा हो। बहुत खुशी मिलती है जब बाहर आपको क्या हो गया। पर ऐसे लोग आपको जरूर मिलेंगे, जब आप मोटे थे तो आपको काली मोटी भैंस भी बोलेंगे, ठीक है, पहलवान बोलेंगे, कुछ कुछ बोलेंगे आपको। और जब आप पतले हो जाते हो, तब आपको सुकड़ हड्डी, खाने को नहीं कुछ मिलता, या फिर बीमार सी लग रही है, चेहरे पे वो ग्लो नहीं रहा। कोई हमसे पूछो ना, ग्लो रहा या नहीं रहा, हमें तो बहुत अच्छा ग्लो फील होता है। हम तो पहले कहाँ कैमरे को फेस भी नहीं करते थे, अब जितना मर्जी मुझसे बुलवा लो। पहले मैं पिक्स करवाते हुए डरती थी, फंक्शंस वगैरह में जाना होता था या कुछ होता था, मेरी सबसे बड़ी टेंशन तो ये थी ही थी कि मैं क्या डालूं। और ये भी बहुत बड़ी टेंशन थी मेरी लाइफ की कि पिक करवाऊंगी, कभी मैं ज्यादा मोटी तो नहीं लगूंगी। मैं हमेशा थोड़ा पीछे हट के पिक करवाती थी, जिसमें मेरी टमी ना दिखे, जिसमें मैं थोड़ा सा ना पतली लगूं। और सोशल मीडिया से तो बिल्कुल दूर हो गई थी, क्या अपडेट देती। और अब मैं हमेशा एक्टिव रहती हूँ। आप लोग भी खुश रहिए, अपनी वेट लॉस जर्नी को एंजॉय कीजिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे मैसेजेस करते रहिए, और अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखना। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल। और हाँ, नाइट में मैं दूध जरूर लेती हूँ, पर बिना गुड़ के, बिना शक्कर के, बिना चीनी के, मैं फीका दूध ही पीती हूँ। हल्का सा मैं हल्दी डाल लेती हूँ उसके अंदर, थोड़ी देर के लिए डाल के रख देती हूँ, और फिर उसे मैं सिप सिप करके पीती हूँ। और आपने जो ये सैलेड है ना, इस सैलेड को भी आपने च्यू करके खाना है। अपनी लाइफ का ये रूल तो बना ही लो कि मैंने अगर मुंह में कुछ डाला है, वो 32 टाइम्स मैंने च्यू करना ही करना है। और पानी, जूस, लस्सी, नारियल पानी, कुछ भी हो, सिप सिप करके पीना है। फिर देखना 32 बार का, 32 केजी का जादू मुझ पे तो चल चुका है, आप लोग अपने ऊपर कब चलाओगे। और ये सोचो कि हमें इतनी मोटिवेशन लेके आओ खुद में कि हमें सर के साथ अपना इंटरव्यू शेयर करना है। ऑल द बेस्ट टू ऑल।